वो दोनों पास्ट के ईयर भी दे सकता है कि भाई हाँ लाइक कि 1996 दे दिया और 2000 दे दिया, इफ वी हैव नो वी हैव नॉट हियर, फाइन। तो आपके उसके अंदर ना दो तरह के सेंटेंसेस हमारे यूज होंगे, एक तो ये होगा लाइक इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, या फिर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। लाइक जैसे लिखा द द ऑफिस वर डेमोलिश्ड, ऑफिस को डेमोलिश कर दिया गया था, रीडेवलप्ड एंड सराउंडिंग एरियाज वर रीडेवलप्ड विद न्यू लेजर, कोई भी नई चीज जो है रीडेवलप्ड की गई थी उसके अंदर, फाइन। लाइक इफ आई शो यू फाइल, आपको अभी ये जो वर्ड फाइल दिखाई दे रही है, अभी जो क्यू कार्ड वाली थी वो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो नो, जस्ट अ सेकेंड। अब यस सर। ओके, इसके अंदर ना देखो हमारे एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस यूज होने हैं। अगर आप लोगों को एक्टिव पैसिव आते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, वो अभी आपको सिर्फ दो सेंटेंसेस सीखने हैं, दैट विल बी वेरी क्लियर। एक तो होगा आपका इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंसेस, जैसे अभी दिखाया गया था लाइक दी ऑफिस वाज डेमोलिश्ड। ऑफिस क्या हो गया था? डेमोलिश हो गया था। जो वर्ड आपने अभी लिखे थे उनके सबके मीनिंग मैं अभी आपको बता दूंगा। ऑफिस वॉज डेमोलिश मतलब ऑफिस को गिरा दिया गया था। अगर जैसे कोई भी नई कंस्ट्रक्शन वहां पे की गई थी लाइक न्यू बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों ईयर ना मेरे पास्ट के हैं, जैसे मैंने आपको ये शो किया था ना, ये मैप मैंने आपको शो किया था, अभी यहाँ पे एक 1986 है और एक ना प्रेजेंट है। अगर तो ऐसे प्रेजेंट में आता है तो हम लिखेंगे द ऑफिस इज डेमोलिश्ड, न्यू बिल्डिंग्स अगर एक बिल्डिंग है तो इज, अगर एक से ज्यादा है तो आर कंस्ट्रक्टेड, फाइन। और अगर दोनों ईयर पास्ट के हैं, ये जो आपको दिखा रखा है, अगर ये 1986 के साथ आपको 2000 का दे दे तो फिर आपको यूज करना है वॉज वर, लाइक दी रोड्स वर बिल्ड, रोड्स जो हैं बनाए गए थे वहां पे, ठीक है? आर यू गेटिंग इट गाइस? परम क्लियर हो रहा है? ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अब एक जो दूसरे सेंटेंस यूज करने हैं वो आपको यूज करने हैं हैज बीन एंड हैड बीन वाले। आप या तो इनको नोट करते रहना साथ की साथ, या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेना। हैज बीन हैड बीन भी सेम इसी की तरह है, जैसे कि ऑफिसेज को डेमोलिश किया गया था, अगर दोनों पास्ट के हैं तो दी ऑफिस हैड बीन डेमोलिश्ड हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट के हैं दोनों लाइक सॉरी प्रेजेंट का है तो हैज बीन, और अगर पास्ट का आपको गिवन है दोनों ईयर तो दो द ऑफिस हैड बीन हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस कुछ? यस सर। सर ये हैज बीन क्यों यूज करेंगे हम, जबकि हमारी बात इज एम आर या वाज वर्ब में हो सकती है। डाइवर्सिटी शो करने के लिए, डाइवर्सिटी सेंटेंसेस के अंदर डाइवर्सिटी शो करने के लिए कोई काम किया गया था तो वो हैज बीन में भी लिख सकते हो, अगर वहां पे बनाया गया खाली, जो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें सेंस बनेगी बनाया गया, और ये है जब किसी अच्छा और ने कोई चीज बनाई, ठीक है? ठीक है। ये किया गया लाइक किसी और पर्सन ने काम किया, हमें ज्यादा ये सेंटेंसेस यूज करने हैं हैज बीन हैड बीन वाले, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई और करेगा, अपने आप नहीं हो सकती। अच्छा व्हाट इट परम ध्वनि कुछ ठीक है पूछना है? परम ध्वनि कुछ सर। पूछना है गाइस आपको? नो ओके, अभी ना मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको अभी एक मैप दिखाऊं तो यू गाइस विल टेल मी। सर।
ये मैप आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये वाला 1985 और प्रेजेंट वाला, ठीक है? तो इसके अंदर हैड बीन यूज होगा या हैज बीन यूज होगा, ध्वनि बताएगी, ध्वनि। हाँ सर, इसके अंदर हैज बीन सेंटेंसेस यूज होंगे या हैड बीन? प्रेजेंट में अगर ये प्रेजेंट है तो हैज बीन हमें यूज करना है, अगर प्रेजेंट में है तो क्या यूज होगा हमारा? Has been. Has been. देखो एक ईयर पास्ट का, लेकिन दूसरे ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे तो कुछ बताना ही नहीं है। जब मैं आपको पूरा सेंटेंस अभी लिख के दिखाऊंगा फिर और क्लियर होगा। ये had been, sorry, ये has been में यूज होगा। लाइक अगर मैं ये ग्राफ आपका तो वहां पे लेके जाऊं, जैसे ये चीज है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब अगर हमारा ये ग्राफ है तो हम कैसे बोलेंगे? अब 1995 में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या थे? शॉप्स थे ना, यहाँ पे आपको रोड क्या दिखाई दे रहे हैं? शॉप। तो 1995 है तो मैं पहले सिंपली बताऊंगा, देयर वर शॉप्स नियर द रोड, या फिर बिल्कुल रोड के साथ है तो एडजेसेंट टू द रोड भी बता सकता हूँ, एडजेसेंट टू द रोड। और अगर अभी उनको जो है, अगर अभी मैं प्रेजेंट में देखूं तो उनको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया वहां पे, रेस्टोरेंट्स में ना, प्रेजेंट में, तो विच में यूज करूंगा, विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द रेस्टोरेंट्स। कुछ क्लियर हुआ गाइस? यस जी सर। क्योंकि सही जो ऊपर डायरेक्शंस हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट और जो ऊपर वो एरोज हैं, उनको भी करना डिस्क्राइब? नहीं, उनका पर्पस है वो मैं भी आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस में बताऊंगा कि उनका क्या पर्पस है, ठीक है? फिलहाल जस्ट आप सेंटेंसेस ये हैज बीन और हैड बीन को कन्वर्ट कर लो, तो या फिर ना इसको विच आर कन्वर्टेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी तो किया है ना, इज एम आर वाले भी तो सेंटेंसेस बताए हैं ना आपको, न्यू बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पे आर यूज कर सकते हो या फिर हैज यूज कर सकते हो, ठीक है? अब अगर सपोज करो हमारे पास टॉपिक आ जाए कोई ऐसा, आप लोगों को ये मैप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। अभी इसके अंदर देखो 1982 है और 2012 है, दोनों ईयर पास्ट के हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? हैड बीन यूज करूंगा। जैसे ये लेक है, अभी लेक यहाँ से हटा दिया गया, लेक को हटा के यहाँ पे जो है फर्नीचर रिटेल का कोई शोरूम बना दिया है, तो मैं कैसे यहाँ पे लिखूंगा? द लेक फ्रॉम द, और आप जो बता रहे थे ना डायरेक्शन का क्या यूज है, ऊपर हमारा जैसे ना नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ऊपर की साइड हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है और सॉरी वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, तो अभी जो हमारा लेक है ये कौन से कॉर्नर में बना? नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द लेक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हैड बीन removed and a furniture retail had been constructed, वहां पे ना एक कोई चीज उन्होंने नहीं कंस्ट्रक्ट कर दी होगी, समझ
समझ में आया गाइस कंटेंट्स? ध्वनि समझ में आया बच्चे? यस यस सर। दीक्षा मरियम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी यह सुन के कि आपको समझ में नहीं आया? ध्वनि सर थोड़ा नहीं सर, हमें साथ में मैप भी तो दिखाए ना, इस तरह हमें समझ नहीं आ रहा। आप मैप दिखाए, वो नॉर्थ वेस्ट वाला कंफ्यूजन हो रही है। नॉर्थ वेस्ट वाले मैप बच्चे, हम इस मैप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइक मैं अगर आपको ये मैप शो करूँ ना, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रखी है ना, हर मैप की डायरेक्शन ना ऐसे ही रहेंगी। हर मैप की डायरेक्शन क्या रहेंगी? ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। जैसे ये फार्म लैंड है, ये कौन सी डायरेक्शन बनेगा? फिर ध्वनि बताएगी, ध्वनि ये फार्म लैंड कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? नॉर्थ ईस्ट में। हाँ नॉर्थ ईस्ट में। ध्वनि आपकी आवाज नहीं आ रही क्या बात? सर मैं बोलने जा रही हूँ, मरियम की आवाज बहुत तेज है था उसकी याद रखिए। तो आप जल्दी बोल लग रहे हो ना फिर। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर हमारे फार्म लैंड और फॉरेस्ट पार्क हैं। अब इनको प्रेजेंट में किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया? गोल्फ के अंदर। सर फॉरेस्ट पार्क ईस्ट साउथ में नहीं है? नहीं सर, ये एक ही कॉर्नर बनेगा, ये एक ही कॉर्नर बनेगा ना, बिल्कुल इसके साथ ही तो है ये। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर? देयर वर, अब यहाँ पे क्या थे ये फार्म लैंड एंड फॉरेस्ट पार्क थी ना, तो देयर वर फार्म लैंड एंड फॉरेस्ट पार्क इन द, अब ये कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द विलेज। अभी ना यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं यूज करूंगा अपना हैज बीन सेंटेंस, हैज बीन। और अगर जैसे मैं ये मैप आपको ये मैप दिखा रहा था, यहाँ पे ना 2012 है, पास्ट का ही ईयर है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हैड बीन, बट अभी प्रेजेंट है तो मैं यूज करूंगा हैड बीन इन द विलेज विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू। अब उनको कन्वर्ट किस चीज में किया है इन्होंने? लाइक अगर मैं आपको शो करूं, गोल्फ कोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, सो आई वुड से विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गोल्फ कोर्स। अब क्लियर हुआ ध्वनि? यस सर। परम? यस सर। दीक्षा एंड मरियम? यस सर। दैट्स ग्रेट। ये तो हमारा हो गया सेंटेंस टाइप। अब इसके बाद ना हमें थोड़ा सा एडवांस चाहिए कुछ, तो ना नॉर्मली जब आप डायरेक्शंस बताओगे, डायरेक्शन से पहले ये ना एक्सपेंडिंग के सिनोनियम है जो आपने लिखे है ना। अगर मान लो कोई चीज ना एक्सपेंड की गई है, एक्सपेंड मतलब कोई चीज छोटी थी अब उस एरिया को बढ़ा के बड़ा कर दिया है, तो ये चीजें हम यूज करेंगे। एनलार्ज कर दिया गया किस चीज को? एक्सपेंडेड, एक्सटेंडेड, मेड बिगर, डेवलप्ड, ताकि आपको एक एक चीज को बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे क्या था, लाइक अगर मैंने आपको ये शो किया था, यहाँ पे जैसे ये ट्रीज हैं, इन ट्रीज को अब यहाँ से हटा दिया था ना, तो अगर मान लो सिर्फ ट्रीज के बारे में बताना होता था तो आप ऐसे लिखते थे कट डाउन, डेमोलिश हम बिल्डिंग के लिए लिखते हैं, ये ऊपर वाले सारे वर्ड डेमोलिश, नॉक डाउन एंड पुल डाउन, ये वर्ड लिख लो, ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज होंगे। रिमूव्ड, टॉर्न डाउन और कट डाउन, ये ट्रीज के लिए यूज होंगे। कट डाउन तो स्पेशली ट्रीज के लिए वर्ड, टॉर्न डाउन एंड कट डाउन। तो रिमूव की बजाय आप ये सारे वर्ड लिख सकते हो, जैसे कोई बिल्डिंग है अगर उसको डेमोलिश कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है, तो द बिल्डिंग हैज बीन डेमोलिश्ड फ्रॉम देयर, या फिर द बिल्डिंग हैज बीन नॉक्ड डाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे ना कुछ एडिशन हुए हैं, लाइक कोई किसी नई चीज की कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो ये कार पार्क जैसे एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है इन्होंने, कार पार्क एक नई फैसिलिटी है,
और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे नए घर भी कंस्ट्रक्टेड हैं, पहले यहाँ पे घर तो नहीं थे, यहाँ पे घर नए कंस्ट्रक्टेड हैं, तो इन सब के लिए मैं सेंटेंस यूज करूंगा ये वाला, न्यू हाउसेस हैज बीन बिल्ड, या फिर कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड। अब जैसे कार पार्किंग है, कार पार्किंग एक नई फैसिलिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो द कार पार्किंग हैज बीन एडेड या फिर इंट्रोड्यूस। अगर वहां पे फॉरेस्ट लगा दिए गए हैं तो प्लांटेड, अगर जैसे कोई होटल वगैरह खोला है तो ओपनड अप, ए न्यू होटल हैज बीन ओपनड अप। ठीक है, यस और उसके बाद जैसे ये वाली चीजें हैं, जैसे हमने ये मैप किया था, ये रेस्टोरेंट थे, रेस्टोरेंट की जगह सॉरी शॉप की जगह बना दिया था रेस्टोरेंट, और फिश मार्केट की जगह बना दिए अपार्टमेंट। तो इनके लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाले, कन्वर्टेड, रीडेवलप्ड, रिप्लेस्ड, मेड इनटू, मॉडर्नाइज्ड, रेनोवेटेड, ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। आप सबने लिख लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से इन वर्ड का? देखो जब आप मैप लिखोगे, मैं ओके अभी आपको मैप लिखने के लिए दूंगा, आपको यूज करना है इन चीजों को। फाइन, अभी जैसे कुछ सेंटेंसेस अगर आप देखो ना, लाइक दी ऑफिसेज वर डेमोलिश, ऑफिसेज को हटा दिया गया है, एंड द सराउंडिंग एरिया वॉज रीडेवलप्ड विद ए न्यू लेजर सेंटर ओपनिंग अप। अब जो ऑफिस थे वहां पे सपोज उनको हटा दिया था उन्होंने, दोनों पास के होंगे, और जो सराउंडिंग एरिया यानी कि जो ऑफिस के आसपास का एरिया होगा उसको रीडेवलप करके वहां पे कोई नया लेजर सेंटर ओपन किया है, जैसे कोई मॉल हो गया या फिर कोई पार्क हो गया, इस तरह की चीज। ठीक है, अब जैसे ये शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर वाज एक्सटेंडेड, यानी कि मान लो पहले कोई शॉपिंग सेंटर छोटा होगा, एंड पार्किंग एरिया वाज एनलार्ज टू अकोमोडेट मोर कार्स, अकोमोडेट मोर कार्स, मान लो कोई पार्किंग पहले 20 कार की थी, अब उसको 50 कार की बना दिया, तो हम उसकी जगह कौन सा यूज करेंगे, एनलार्ज। गॉट इट गाइस, ये सेंटेंसेस आप स्क्रीनशॉट लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे प्लीज। उसके बाद ना अब हम बात करते हैं इन चीजों की, ये देख रहे हो आप, टू द नॉर्थ ऑफ, टू द ईस्ट ऑफ, इन द वेस्ट। हाँ जी, दिखाई दे रहे हो लोगों को ये वर्ड, इनका यूज ना यहाँ पे है गाइस। अगर मैं जैसे देखूं, जैसे ये होटल है, होटल की ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, साउथ बनेगी ना, तो हाँ होटल की साउथ साइड में क्या है, कैफे है। तो इतनी होगी अरे नहीं बच्चे, ये होटल की, होटल से अगर मैं नीचे आऊंगा तब तो साउथ बनेगी ना ये, अगर राइट में जाऊंगा तो ईस्ट बनेगी। अब होटल ऊपर है और कैफे नीचे है, तो होटल कैफे होटल के किस साइड में हुआ, साउथ साइड में हुआ ना। हाँ हाँ जी, तो यस सर इसीलिए अगर हमें ये बताना ना कि कैफे कहाँ था, तो हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, देयर वॉज ए कैफे इन द नॉर्थ टू द होटल, जैसे ये वाले वर्ड है। इनका स्क्रीनशॉट लेना आप एक बार, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया ले लिया। अभी जैसे मैं आपको ये सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, जैसे ये होटल है, इसके साउथ में एक कैफे है, तो मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा, देयर वॉज ए कैफे टू दी साउथ ऑफ दी होटल, देयर वॉज अ कैफे टू दी साउथ ऑफ दी होटल। गॉट इट। इस तरह से आपको ना डायरेक्शंस यूज करनी है, ये जो सारी डायरेक्शन दे रखी है ना, अगर किसी चीज के वेस्ट में यानी कि लेफ्ट में कोई चीज है तो आप वेस्ट बता सकते हो, अगर राइट में कोई चीज है टू द ईस्ट ऑफ बता सकते हो। जैसे ना ये मैप है हमारा, मैं आपको एक बड़ा मैप अगर शो करूं, जैसे ये मैप है, यहाँ पे बैंक है, ये चीज बैंक है और ये हॉस्पिटल है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ, इसकी ऊपर नॉर्थ हो गया, साइड में ईस्ट डायरेक्शन हो गया ना, तो हम लिखेंगे देयर वॉज अ हॉस्पिटल इन द ईस्ट ऑफ बैंक, इन द ईस्ट ऑफ बैंक। बैंक अब जैसे ये प्लेइंग फील्ड है, प्लेइंग फील्ड ट्री हॉस्पिटल के ऊपर वाली साइड में है, तो आई कैन से देयर वॉज अ प्लेइंग फील्ड विद ट्रीज इन द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल,
इन द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद है ये प्रेपोजिशन है, जैसे ऑन है, अगर ऑन द रोड कोई चीज है तो ऑन द रोड बताएंगे हम। ये नेक्स्ट टू भी इसी तरह, मान लो अब तो हम बात करें, जैसे इस मैप की कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, जैसे ये मैप है ना, अब अगर मैं इसकी बात करूं, स्कूल, स्कूल के बिल्कुल आगे क्या है, यहाँ पे प्लेइंग फील्ड विद ट्रीज है ना, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, देयर वॉज प्लेइंग फील्ड ट्रीज नेक्स्ट टू द स्कूल, लाइक आई वुड से देयर वॉज प्लेइंग फील्ड विद ट्रीज नेक्स्ट टू द स्कूल। क्लियर है गाइज, ये सारी प्रेपोजिशन जैसे आपको बताना है ना, एडवांस सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। अब उसके बाद जैसे प्रेपोजिशन है हमारी लाइक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, ये जैसे जो ये रोड है ये, और अगर मैं इस रोड की बात करूँ तो ये फिश मार्केट वाला रोड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमेशा लेफ्ट से राइट में जाना है और नीचे से ऊपर जाना है। तो अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट देखूं तो देर वॉज अ रोड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कैसे लिखूंगा, देर वॉज ए रोड विच क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द विलेज। क्लियर है गाइस? परम, यस सर, समझ में आ रहा है ना, बच्चे पक्का बता देना, जिसकी नहीं समझ में आ रहा है आई कैन रिपीट इट। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे यूज करनी है, बिटवीन है, अगर दो चीजों के बीच में कोई सेंटेंस हो, कोई चीज होगी, जैसे मान लो इफ आई शो यू हियर, जैसे ये कैफे एंड पार्क है, तो ये हाई स्ट्रीट ना नीचे से ऊपर जा रही है, तो देयर वाज हाई स्ट्रीट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड बिटवीन हाई स्ट्रीट एंड हाउसेस देयर वाज कैफे एंड पार्क, ठीक है। या फिर जैसे बिल्कुल हाई स्ट्रीट के साथ कैफे एंड पार्क है, तो आई कैन ऑल्सो यूज बिसाइड या फिर अलोंग या फिर नियर, सॉरी ये बिसाइड और अलोंग ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे आपको ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डन डन, ओके। सर इसके पैराग्राफ कितने होने चाहिए? चार होने चाहिए बच्चे, ये दे रखा है देखो। तो सर इंट्रोडक्शन, उसके बाद ओवरव्यू देना, ओवरऑल जो लिखते हो, बॉडी पैरा वन बॉडी पैरा टू। सर ओवरव्यू कैसे लिखेंगे और इंट्रोडक्शन का भी बता दे। उस चीज पे हम आएंगे बच्चे, उस चीज पे हम आएंगे, एक बार मैं आपको ये सेंटेंसेस करा दूं सारे। दीक्षा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे? नो सर, बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया सर। दैट्स नाइस। ओके, टाइम के लिए गाइस, ये टाइम के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ना ये टाइम यहाँ पे मेंशन है 1990 से लेके 2012 है, जैसे ऑलमोस्ट ना 20 इयर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं ओवर द 20 ईयर पीरियड द एरिया हैज विटनेस्ड बिग चेंजेस, ये ओवरऑल में यूज होंगे, ये सारे सेंटेंस ना आपके ओवरऑल के बीच में यूज होंगे।
जैसे ये दे रखा है ना, हैज विटनेस्ड बिग चेंजेस, हैज बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज, हैज बीन बिल्ड, हैज बीन मॉडर्नाइज ओवर द 20 ईयर पीरियड फ्रॉम 19 टू दिस ईयर, इन द पीरियड फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स। अब ऑनवर्ड्स कब होगा, जब प्रेजेंट दे रखा होगा, एक मैप 1990 का होगा, उसके बाद सारे प्रेजेंट के होंगे, वो चीज हम यूज कर सकते हैं। Have you guys taken the screenshot? In sentences में से किसी को पूछना गाइस कुछ? मरियम, परम या फिर ध्वनि, किसी को पूछना गाइस कुछ? नो सर, ये ओवरऑल ना आपका इस तरह से लिखा जाएगा, इफ आई शो यू दिस, ये आपका मैप है। हाँ जी, इस मैप के अंदर अगर मैं मोस्टली देखूं तो ये रिवर है, जैसे ये ब्रिज है, एक ब्रिज है यहाँ पे, ब्रिज यहाँ पे भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद जो ये फार्म लैंड है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है ना। ओके, और ये जो हाउसेस हैं, ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ पे, ये आपके हैं हाउसेस। इन हाउसेस को, ये हाउसेस क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, देखो इधर भी बढ़ गए हैं, इधर भी बढ़ गए हैं, और ये नीचे भी बढ़ गए हैं, ये सारा हाउसेज ही हाउसेज इन्होंने बिल्ड कर दिया है। यहाँ पे पहले जो ये गार्डन था, इस गार्डन को इन्होंने चेंज कर दिया रिटायरमेंट होम के अंदर, ठीक है। और ये जो लार्ज हाउस था, इसको एक्सटेंड करके चेंज किया इन्होंने रिटायरमेंट होम के अंदर। और जो ये फार्म लैंड थे जितने, ये तो सारे रिमूव कर दिए हैं। पोस्ट ऑफिस आपका पोस्ट ऑफिस एज इट इज है। प्राइमरी स्कूल को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, देखो यहाँ पे छोटा था प्राइमरी स्कूल, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। जो शॉप थी, अब वो शॉप नहीं है यहाँ पे, उनकी जगह हाउस बन गए, ऐसा ही हो रहा है गाइस। यस ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, आप इस पूरे आंसर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। द मैप इलस्ट्रेट द मेन चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस इन द टू टाउन ऑफ दैट फ्रॉम दिस टू प्रेजेंट मोमेंट। ये प्रेजेंट के अंदर आपका बिल्कुल सिंपल है कि मैप जो है इस चीज को शो कर रहा है, चेंजेस दिखा रहा है जिनका टेकन प्लेस है। जो ओवरऑल है, ओवरऑल के अंदर ना आपको मेन चेंजेस बताने हैं, सारे चेंजेस नहीं। अब अगर जैसे मेन चेंजेस देखूं तो फार्म लैंड को रिमूव करके यहाँ पे हाउसेस बिल्ड किए गए हैं, जो सबसे बड़ा चेंजेस है। तो द टाउन हैज मोस्ट नोटेबली शोन एन इंक्रीजिंग हाउसिंग डेवलपमेंट विच इंडिकेट्स ए हायर पॉपुलेशन। अब ये हायर पॉपुलेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, द टाउन हैज नोटेबली शोन एन इंक्रीज इन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड ए मूव अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। मूव अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग मतलब उनको हटा दिया गया वहां से। या अगर हम इसको ना अपने सेंटेंस में लिखें तो वी कैन से आई वुड राइट द टाउन हैज शो चेंजेस, टाउन ने कुछ चेंजेस शो किए हैं, लाइक दी हाउसेज हैज बीन एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। हाउसेज क्या हो गए, डायरेक्शंस हो गए हैं, एंड दी फार्म लैंड एंड ओपन एरियाज has been removed, जो फार्म एरियाज हैं उनको रिमूव कर दिया गया। इस तरीके से नॉर्मली एक सिंपल आप लिख सकते हो। ओके, जो ये लैंग्वेज है दैट इज एडवांस वन फॉर द 9 बैंड राइटर्स। उन्होंने मूव अवे का यूज किया यहाँ पे, कि वो एग्रीकल्चर से उनको मूव अवे कर दिया है और हाउसिंग डेवलपमेंट यहाँ पे शो कर दिया। बट अलग अलग मैप के लिए आपके पास इस तरह की लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे जैसे जो सबसे बड़ा चेंज हमें इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है, ये फार्म लैंड वाला, तो वन चेंज दैट स्टैंड आउट इज दैट देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट रीडेवलपमेंट हैज बीन यूज किया, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर है। सबसे बड़ी रीडेवलपमेंट हुई है ओवर द होल पीरियड, टाइम के लिए, पूरा पीरियड के लिए यूज किया है। टू द ईस्ट ऑफ रिवर स्टोक हाउसिंग, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, जो ये रिवर है और इसके ये ईस्ट में जो ये सारे हाउसेस थे उसके लिए उन्होंने यूज किया है। टू द ईस्ट ऑफ द रिवर स्टॉक हाउसिंग नाउ डोमिनेट द एरिया
वट वॉज वंस फार्म लैंड, जो कि कभी फार्म लैंड था गाइस, अब वो ना डोमिनेट वहां पे हाउसिंग डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि हाउसिंग सबसे ज्यादा है वहां पे। डोमिनेट हम यूज करते हैं जब कोई चीज ना बहुत ज्यादा हो। उसके बाद बता रहा है, इन 1996 देयर वर शॉप्स एंड ए जस्ट ए हैंडफुल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे दो शॉप्स थी और सिर्फ हैंडफुल, यानी कि सिर्फ थोड़ी सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो कि हाउसेस थे। नाउ देयर आर नाइदर शॉप नॉर फार्म लैंड लेफ्ट। अब ना तो वहां पे शॉप्स हैं ना ही फार्म लैंड है। ऑल्दो द पोस्ट ऑफिस इज स्टिल देयर, जो चीज अभी भी वहां पे है वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अभी भी वहां पे है। द ब्रिज ओवर द स्टिल स्टैंड इट, जो ये जो कॉन्स्टेंट चीजें है ना, पोस्ट ऑफिस और ये चीज इन्होंने बता दी है, ठीक है। अब जब दूसरे चेंज पे जाओगे तो आप फर्दर मोर सिंपली यूज कर सकते हो, या फिर इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हो, अनदर नोटिसेबल चेंज। जो दूसरा नोटिसेबल चेंज है इज दैट रोड्स हैव बीन बिल्ट, रोड्स बना दिए गए हैं अराउंड द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखो, ये रोड हो गए, ये रोड हो गए और ये वाले रोड हो गए, सारे न्यू रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। तो न्यू रोड्स हैव बीन बिल्ट अराउंड द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। एडिशनली इसके अलावा द गार्डन दैट वर इन फ्रंट ऑफ द लार्ज हाउस, जो ये लार्ज हाउस है ये वाला, जो इसके सामने गार्डन था, अब इसको क्या कर दिया गया है, हैज बीन रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड द हाउस हैज बीन एक्सपेंडेड, और इस हाउस को उन्होंने बढ़ा दिया गया है। एंड कन्वर्टेड इन टू ए रिटायरमेंट होम, और इसको रिटायरमेंट होम में कन्वर्ट कर दिया गया है। द प्राइमरी स्कूल स्टिल स्टैंड एंड हैज बीन एक्सटेंडेड, ये जो प्राइमरी स्कूल था दिस वन, ये अभी भी वहीं पे है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया और टाइम के लिए यूज किया है इन द डिकेड सिंस, तब से लेके अब तक का जो टाइम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, उसके बाद मैं मैप का दिखाता हूँ आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? Yes, sir. एंड अब इसका ले लो सर, मैंने ले लिए हैं दोनों से पहले। दीक्षा परम ध्वनि, यस और नो? यस 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 सर। ओके, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। यस सर। यस सर। दीक्षा क्या आपकी शक्तियां वापिस आई कुछ? यस सर। आई है? हाँ जी सर। ठीक है, अब कल अगर मैं आप लोगों को एक मैप लिखने के लिए दूं, कल के लिए लिख दोगे आप लोग? यस सर। इनसे पूछ रहा हूँ जो हमारे नए बच्चे हैं, ये बेचारे छोटे छोटे से। परम ट्राई करेंगे सर। परम? यस सर। क्या हो गया बच्चे, आप तो एनर्जी डाउन हो गई आपकी तो? नहीं सर। लिख लोगे? श्योर? यस। अगर ये वाला दूं लिखने के लिए, ये लिखोगे या कोई और दूं? देखने के बाद इसकी शक्ल अच्छा है बुरा है। अच्छा। इसको यस कौन कौन बोल रहा है इसके लिए, इस टास्क के लिए? यस सर। श्योर? ये टास्क मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूं अभी, और ये कल ना मेरे पास होना चाहिए फिर। ठीक है गाइस, लिख लोगे आप लोग? यस सर। ये सो कौन रहा है, ये अजवाइयां कौन ले रहा है? ध्वनि? मैंने बोला था ना नहीं सर। हाँ? ये परम सॉरी है फिर, है ना परम? परम आपको नींद आ रखी है? नो ध्वनि, ध्वनि क्या है नाम उसका? मैं नहीं सो रही हूँ। मरियम का नहीं जी है, आईकी ऑफ है। ओके गाइस, आप लोगों को मैप में से कुछ पूछना हो बताओ फटाफट। नो सर। परम? नो। मरियम? नो सर। ध्वनि? नो सर। ये कल ना सुबह सुबह 10 बजे से पहले मेरे पास आ जाना चाहिए जो मैप आप लोगों को मैंने भेजा है, ठीक है? ओके सर। बिना मीटिंग के।
Okay, guys, you may call it a day. Tomorrow we will discuss some new things. Task 2 के हम ना sentence structure करेंगे सारे के सारे जो all those things मैं आप लोगों को करता रहता हूँ ना वो सारे sentence structure. ठीक है? तो कल दो कप चाय साथ में रखना सारे. ठीक है मरियम? कल कितना time? 3:30. क्या कह रहे हो? Time. Time क्या? बच्चे टाइम को क्लास को मारो टाइम कल के लिए बच्चे तीन ही तीन बजे आज भी 3 बजे गई था वो एक्चुअली मैं लंच के बाद सो गया फिर मेरी आंख नहीं खुली फिर मैं सीधा 3:30 बजे उठा ठीक है सर आज सर आपने चाय साथ में रखनी थी क्यों खाया इसलिए पूछ रही हूँ कितना टाइम ड्यूरेशन क्लास की कितनी टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा बट आज की तरह थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन का रहेगा ना तो आप लोग को सुस्ती आ जाती है जल्दी टाइम तो सेम ही रहेगा ना ठीक है सर ओके ओके गाइस यू मे कॉल इट अ डे प्लीज थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन थैंक यू सर